अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब भारत की पहल से इसे संयुक्त विश्व ने मान्यता दी। तभी से हर साल 21 जून को विश्व के कोने कोने में योग के अद्भुत लाभों का अनुभव करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में एकत्र होते हैं। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति का माध्यम है। योग हमारे तन और मन को संतुलित करने का एक प्रभावी तरीका है। आज के कार्यक्रम में हम योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करेंगे और इसके अनेक लाभों के बारे में भी जानेंगे। लोग लंबी सांस खींचे हैं, या 15 से 20 बार अभ्यास में करें। जैसा कि योग भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा, योग हमें प्रकृति से जोड़ता है। योग का तात्पर्य है आसनों से जुड़ना या जोड़ना। इसके माध्यम से हमें दीर्घायु स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। जैसा कि स्लोगन है, करें योग रहे निरोग। हम सब अपने जीवन को स्वस्थ करें। बाएं हाथ को दाहिनी तरफ कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ करें। इसके बाद नीचे थोड़ा झुकेंगे, कमर की रीति नीचे होनी चाहिए। आराम मुद्रा में सभी लोग खड़े हो जाएं। प्रणाम आसन, ये सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा। सूर्य नमस्कार के बहुत फायदे हैं शरीर के लिए। शरीर में निखार आता है, हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, रक्त संचार बहुत अधिक समान मात्रा में हो जाता है। अभी दूसरा हस्त उत्थान आसन, पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना हो सके, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए हस्त पाद आसन नीचे लेते हैं। जमीन से पैर को, पैर के पास हाथ को स्पर्श कराएं। हस्त पाद आसन, जहां पर कमर में खिंचाव या कहीं पर ऐसा बॉडी में लग रहा है, वहीं पर रोकें बॉडी को, शरीर को वहीं पर होल्ड करें। दाहिना पैर बाएं पैर से मिलाएंगे, दंड आसन, नजर इनको सामने। हर एक आसन में चंद सेकंड होल्ड करेंगे। अष्टांग आसन, पैर के झुकते जमीन से स्पर्श होंगे, चेस्ट और हेड, बॉडी के आसन जमीन से स्पर्श करें, जमीन से कनेक्ट करते हुए बॉडी को जमीन से स्पर्श करा करें। भुजंग आसन, हाथ नीचे हुए ऊपर उठे, चेस्ट ऊपर उठाए, आसमान की तरफ देखें। बिल्कुल दोनों पैर को आगे तरफ खींचते हुए जाएं। पर्वतासन से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हाथ पैर दोनों में तनाव, कमर का भी खिंचाव और आइस में देखिए बिल्कुल ऊपर तरफ। पुनः फिर शुरू करेंगे प्रणाम आसन। हस्त उत्थान आसन, पीछे तो धीरे धीरे ले जाएं। धीरे वापस आए हस्त पाद आसन। बाएं पैर को दाहिने पैर के साथ मिलाएंगे, पीछे दंडासन। अष्टांग आसन,
भुजंगासन, पैर को फ्लैट करते हो, जमीन से स्पर्श करते हो बॉडी को, श्वास खींचते हो, उठे पर्वतासन, एक दिन में कम से कम 5 से 6 बार करना चाहिए। हस्तपाद आसन, बाएं पैर को दाहिने पैर से मिलाएं। प्रणाम आसन, हृदय सामने आते हुए ऊपर से हाथ जोड़ते हुए श्वास नॉर्मल गति में रखें, बगल ऊपर से हाथ ले आकर के लगाएंगे, श्वास लेते रहें आराम मुद्रा में खड़े होकर के, लंबी लंबी श्वास लें छोड़े। अभी सभी लोग लेट जाएंगे शवासन के लिए, पीठ के बल, बिल्कुल ध्यान आपके शरीर पर अपना हो, इस समय किसी भी प्रकार का ध्यान कहीं नहीं, रक्त संचार पूरे बॉडी में सामान्य रूप से हो रहा है, ऐसा फील करें कि हमारे बॉडी में हमारे सेल्स रक्त जो है अपनी प्रवाह गति में है। एक जगह ध्यान केंद्रित करें, आंखें बंद करके यह आसन सभी लोग कर सकते हैं। बाकी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, मन में जो भी पीड़ा, मन अशांत, ये सब दूर होता है। जो कि रक्त संचार फिर की करें, बिल्कुल पैर आसमान की तरफ, धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट रखते हुए पैर को धीरे धीरे ले आए नीचे जमीन के साथ स्पर्श करें, झटके से नहीं छोड़ेंगे। श्वास नॉर्मल गति में रखेंगे, यह आसन कम से कम 5 से 6 बार प्रतिदिन करने से शरीर को बहुत फायदा प्राप्त होता है। सर्वांगासन से हलासन करेंगे, जिनको कमर में पेन है जहां पर हो सके वहीं होल्ड रखें शरीर को, जहां पेन होना शुरू हो या खिंचाव हो, नीचे पीछे ले जाए पैर को, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे धीरे धीरे, इसमें फेफड़े को मजबूती प्राप्त होती है, क्योंकि श्वास खींच करके रोकने से फेफड़े को ताकत प्राप्त होता है,
हृदय की मांसपेशियों को ताकत मिलता है। स्वास्थ्य को छोड़ते हुए नीचे आएंगे,